नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं पुनः आप सब से ओडिशा कांड पर ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस देश में कौन कितना सुरक्षित है, ये आप सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। कम से कम ओडिशा की जो घटना है, एक ब्रिगेडियर की बेटी, एक कप्तान की मंगेतर और खुद पेशे से अधिवक्ता रात अपनी मंगेतर के साथ रेस्टोरेंट से निकलती है। उसके पीछे कुछ 10-12 लड़के पड़ते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी तरह से जान बचा करके वो दोनों भरतपुर पुलिस थाने पहुंचते हैं। और थाने में क्या कुछ हुआ, इसको बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, इसे बताया भी नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग वो वीडियो भी पेश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महिला जरूर आई है आप बीती बताने के लिए। मैं उस वीडियो को आपके समक्ष नहीं रख रहा हूं। ये एक बेटी की अस्मत का भी मामला है, उससे जुड़ा हुआ प्रकरण है। वो बहादुर बेटी है, एक ब्रिगेडियर की बेटी है, एक कप्तान की मंगेतर है, पेशे से अधिवक्ता है। उसकी जो जिन हालात में परवरिश हुई है, उनके माता पिता ने जिस ढंग से उसकी परवरिश की है, निश्चित तौर पर वो एक निर्भीक बच्ची है। और उसने उन तरिंदे पुलिसकर्मियों के साथ भी लड़ा और उसके बाद उस खुद उसके साथ क्या कुछ घटित हुआ, उसको बयां करने के लिए वो मीडिया के सामने भी प्रस्तुत हुई। उसने वो सब कुछ बयां किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आम तौर पर आप सभी अक्सर ये सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि पुलिस किस तरह से पूछताछ करती है रेप के मामलों में पीड़ित महिला से, पीड़ित बेटियों से। लोग उसे सुनते भी हैं बड़े चाव से। ये हमारा जो पुरुष सत्तात्मक सभ्य समाज है, ये उसकी देन है। इस बार कई बार इस पर उंगलियां भी उठी हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन ओडिशा में जो कुछ भी घटित हुआ, उसको लेकर के ओडिशा जरूर गर्म है, लेकिन ओडिशा में भी उस तरह की गर्मी नहीं है जिस तरह की गर्मी कोलकाता में थी। जब उस प्रदेश में ही इस तरह की गर्मी नहीं है, तो देश की बात करना बेकार है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा देश के उन रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जिन्होंने अपनी एक साथी के साथ जो कुछ भी कोलकाता के एक अस्पताल में घटित हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में उन्होंने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, शायद उसका नतीजा रहा कि राष्ट्रपति तक को 3 पेज का आर्टिकल अखबारों के लिए जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने वो कहती हैं एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया। लेकिन ओडिशा में जो कुछ भी हुआ, उस पर किसी भी
सत्तारूढ़ दल की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से, पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपको यहां एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि उसी दिन यानी कि हाल के दो तीन दिन के भीतर दो बड़ी घटनाएं हुई हैं इस देश में। एक ओडिशा, जिसमें कि ब्रिगेडियर की बेटी कप्तान की मंगेतर के साथ पुलिस वाले मिलकर के क्या कुछ नहीं करते हैं उसकी अस्मत लूटने के लिए, अस्मत लूटी जाती है लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। वहीं आंध्र प्रदेश में प्रसाद का मामला पूरे देश भर में फैलाया गया, हर जगह मंदिरों में जहां भी प्रसाद बनते हैं बांटे जाते हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई। बनारस में भी हुई, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, अच्छी बात है। प्रसाद जो भक्तों को वितरित किए जा रहे हैं उनका सत्यापन कि वो सही है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, प्रसाद के काबिल है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल लगातार होती रहनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब आजकल काशी में हैं, उन्होंने कल एक बयान जारी किया और आंध्र प्रदेश में जो कुछ भी हुआ प्रसाद को लेकर के उसे पाप कहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नैवेद्य को लेकर के उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने अपने विचार रखे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ओडिशा में क्या हुआ इस पर भी उन्हें कुछ अपने विचार रखने चाहिए थे। वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, आज भी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में एक वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडे पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, कई हजार पेज की। ये देश में चुनाव राजनीति, पूजा पाठ, नैवेद्य, इनके अलावा भी कुछ होता है और हालत ये है कि एक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हाल ही में पेश हुई है इसी साल की। उसमें जो महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला है उसके बारे में जो बताया गया है कि हर घंटे तीन महिलाओं का रेप हो रहा है। 96% रेप के ऐसे मामले हैं जो पीड़ित महिला की जान पहचान वाले ही उसके साथ वो रेप कर रहे हैं। 100 में से 27 को सजा मिलती है, यानी कि इन तरिंदों को सजा का मामला जो है वो महज 27%। 2012 से पूर्व जबकि वो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से अब तक का अगर तुलनात्मक व्याख्या की जाए तो 2012 से पूर्व ऐसे 25,000 मामले साल में आते थे। 2013 के बाद से इसमें वृद्धि हुई है आज, और 2022 में देश भर में 31,516 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। आप भी जानते हैं कि हमारा समाज ऐसे मामलों को किन निगाहों से देखता है, लिहाजा लोकलाज के भय से बहुत से परिवार
अपनी बेटियों को बचाने के लिए, उनकी अस्मत, उनका मजाक न उड़े, इसलिए वो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते हैं। लेकिन ओडिशा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रात को 1:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये सब चलता रहा। कप्तान जो पीड़ित युवती का मंगेतर है, उसे मारा पीटा गया, लॉकअप में बंद कर दिया गया, घसीट करके ले जाया गया। वो केवल FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे उन शहदों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें रास्ते में परेशान करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट दर्ज होना तो दूर, जो कैप्टन साहब हैं उनको पहले उनसे गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, घसीट करके लॉकअप में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उस वो महिला लगातार संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है, अपने हक की बात करती है, तो उसे भी मार पड़ती है। उसके उसके कपड़े उतरवा, उसके जैकेट उतरवा करके उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं उसके उल्लेख नहीं कर सकता, इतनी साहत इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। और उस पीड़ित महिला का मंगेतर बार बार ये उसने बताया है कि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती रही। क्या कुछ नहीं हुआ ये आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। क्या इस देश में न्याय के लिए ऐसी लड़कियों को, ऐसी बच्चियों को, ऐसी बेटियों को, ऐसी महिलाओं को मरना जरूर होगा, उनकी हत्या जरूरी है? जैसे कि निर्भया कांड के बाद पूरा देश उबल पड़ा, कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी, उसके बाद पूरा देश उबल पड़ा। लेकिन बाकी सारे मामले जो दिनों दिन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर घंटे 3 महिलाओं का रेप हो रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है, उन मामलों में आम नागरिक जो रोज पीड़ित होते हैं, रोज शोषित होते हैं, वो भी आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आते। हो सकता है कि पीड़ित परिवार लोक लाज के डर से सामने ना आए, या जिन लोगों ने उसके साथ, बेटियों के साथ, बेटी के साथ जो कुछ भी किया है उसके डर के मारे सामने ना आए, और पुलिस के सामने कौन भला आएगा। लेकिन वो समाज, मैंने पहले ही कहा कि मैं उन सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को साधुवाद करना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपने साथियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक आवाज बुलंद की, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, राष्ट्रपति को भी सामने आना पड़ा। मगर कल तक एक चीज इस देश में कही जाती थी कि किसी अधिवक्ता के साथ, काले कोट वाले के साथ अगर आपने कुछ भी दुर्व्यवहार किया तो पूरा अधिवक्ता समाज उनके पीछे खड़ा हो जाता है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके विरोध में पूरे देश के जूनियर डॉक्टर लामबंद हो गए, स्ट्राइक पर चले गए। मुझे पिछले 3 दिनों में एक भी बार एसोसिएशन की तरफ से इस घटना को लेकर के कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान,
अभी तक सुनाई नहीं दिया है। आप भी समाज के नागरिक हैं, अधिवक्ताएं उड़ीसा के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी हैं, हर जिले में हैं महिला अधिवक्ता, उनकी तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। आवाज केवल उड़ीसा के पूर्व सत्ताधारी दल बीजद और कांग्रेस ने उठाई है। कांग्रेस ने देश स्तर पर यह मामला उठाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसका मामला उठाया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसका मामला उठाया है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये मामला उठाया है, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं जो कि बर्दाश्त के बाहर होती चली जा रही हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कोई सामने आकर के अपनी आवाज बुलंद कर भी नहीं कर पा रहा है? इतना भय पैदा हो गया है। और वही सत्ताधारी दल उड़ीसा से लेकर के दिल्ली तक की हुकूमत और हुकूमत वाला दल भारतीय जनता पार्टी, जिसने कोलकाता में रोज सड़कों पर निकल करके धरना प्रदर्शन नारेबाजी सब कुछ किया, क्या उड़ीसा की घटना उससे कमतर है? कमतर सिर्फ इसी मामले में है कि वो गैर बीजेपी शासित पश्चिम बंगाल की घटना नहीं है, वो भाजपा शासित उड़ीसा का मामला है। अंतर सिर्फ इतना है कि पीड़ित की कोलकाता में हत्या भी की गई थी, यहां वो दोनों जान बचा करके वहां से निकल पड़े हैं, उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। त्वरित न्याय की बात की जा रही है कि तुरंत ऐसे रेपिस्ट को, उस गैंग को फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है, हमने बहुत से कानून विदों से इस पर चर्चा की, उनका कहना है कि अगर त्वरित न्याय के तहत हर रेपिस्ट को तत्काल फांसी की सजा दी जाने लगेगी तो रेप के बाद हत्याओं के मामले बढ़ेंगे। हर दुष्कर्मी ये जानते हुए कि इसको अगर जिंदा छोड़ दिया गया तो वो गवाह होगी और सब कुछ हमारे खिलाफ चला जाएगा, लिहाजा इसे खत्म कर देना ही ज्यादा बेहतर होगा। ये जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह से पेश आएंगे फिर। और सबसे बड़ी चीज, आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई उसके सबूत इसलिए मिल पाए, उसके कुछ साक्ष्य इसलिए मिल पाए कि वहां सीसीटीवी कैमरा था। लेकिन ओडिशा के भरतपुर पुलिस स्टेशन, जो कि करोड़ों की लागत से बनाया गया है अभी हाल ही में, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लिहाजा रात भर 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो कुछ भी होता रहा उसका कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है उसके लिए प्रयास जरूर होना चाहिए। आज जब
देश की हुकूमत डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ चली है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो एक करोड़ों की लागत से तैयार किए गए थाने में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? सवाल इस पर भी उठने चाहिए। केवल नैवेद्य में क्या मिलाया गया है उसकी ही जांच नहीं, उससे ज्यादा जरूरी जांच यह है कि हमारे देश की बेटी बेटी या बेटियों के साथ क्या कुछ थानों में होने लगा है, उसका भी कुछ आधार कुछ साक्ष्य मिले और देश के शीर्ष पदों पर रहने वाले लोग, खैर बीजेपी से जुड़े शीर्ष पदों पर रहने वाले लोगों से कोई अपेक्षा भी नहीं हो सकती है, अपेक्षा इसलिए भी नहीं हो सकती है, आपको याद होगा आईआईटी बीएचयू में जो आईआईटी बीटेक की छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने रात को 1:30 बजे, वो भी अपने दोस्त के साथ थी, और यहां भी उसे असलहों के दम पर उसके कपड़े उतरवाए गए, फाड़े गए और उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद वो जानते बूझते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ने मुनासिब नहीं समझा और वो जाकर के मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। 1 महीने के बाद जब चुनाव खत्म होता है तब वो वापस आते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और आज तक उन्हें संरक्षण देने वालों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तब भी ये कार्रवाई नहीं हुई जब उनमें से वो आरोपी जमानत पर छूट करके आते हैं और उनमें से एक आरोपी का भव्य जन्मदिन मनाया जाता है और वो भी एक बीजेपी के विधायक के द्वारा, वो फोटो भी वायरल हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था। तो हम किस मुंह से ये कह सके कि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि इस तरह की घटनाओं को लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया भी देंगे, अपनी संवेदना भी प्रकट करेंगे, इस तरह की हृदय विदारक घटनाओं के लिए क्या इसी तरह से चलता रहेगा पूरा देश? 2012 में एक घटना होती है, उसके बाद कड़े से कड़े कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के होते हुए आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, यह स्पष्ट करता है कि कानून तो हमारे पास हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ठीक से। क्रियान्वयन हो कैसे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? इस तरह की घटना, मैंने इतने बड़े पैमाने पर अभी तक तो सामने नहीं आई थी। पुलिस का यह चेहरा, आए दिन यह सुनने में आता है कि किसी को भी दो पोड़िया हेरोइन के साथ, तमंचे के साथ, कट्टे के साथ जबरदस्ती उसके पास उसकी जेब में ठूस ठास करके उसके खिलाफ उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इस तरह की घटना ये क्या दर्शाता है? क्या इन सब घटनाओं के बूते आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं? क्या विकसित राष्ट्र बनने के लिए ये सारा कुछ ताना बाना जो है ये कुछ
महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये जरूरी है? हो भी सकता है, जब सत्तारूढ़ दल का एक सांसद ओलंपियंस के साथ वो सब कुछ कर सकता है और उसका विरोध करने पर पुलिस उन्हें घसीट करके ले जाती है धरना स्थल से, विरोध करने वाले स्थल से, तो इस देश में शायद बेटियों को लेकर के हम कब तक इस तरह की घटनाओं का साक्षी बनते रहेंगे। मुझे गर्व है बनारस की उन बेटियों के ऊपर जिन्होंने शनिवार की रात मेरी रातें मेरी सड़कें इस स्लोगन के साथ बनारस में एक मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। हम अगले वीडियो में उन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, क्या कहा, इस पर भी वो भी लेकर के आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं दिल से कि हम सब मिल करके एक आवाज बुलंद करें ताकि इस देश की हर बेटी, हर मां, हर बहन महफूज रह सके। रातें उनकी भी हैं, सड़कें उनकी भी हैं। अगर हमारा युवा रात भर सड़कों पर घूम करके आवारागर्दी कर सकता है, दरिंदगी कर सकता है, हम उसको माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक युवक, एक पुरुष रात भर घूम सकता है, महफूज रह सकता है, तो एक स्त्री भी रात को कहीं भी आए जाए, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मंगेतर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उसे महफूज रहना हो, रहने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हुकूमत भी उसके लिए आगे आए और जो कानून हैं उनके क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।